देखो एक टॉपिक तुम लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं वो है टॉपिक नागरिकता। इसका एकदम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम का चीज पढ़ना, बकलोली वाला जगह नहीं रखना। नागरिकता संविधान के भाग दो में है। कितना में हम बोल रहे हैं? नागरिकता संविधान के भाग दो में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। अब देखो यहीं पर होता है खेला। अनुच्छेद लोग लिखाना शुरू करता है, ना ही पूछता है। 300, 400 कुछ हो गया है तो क्या सब रट लोगे? नहीं रटोगे। मुश्किल से 70-80 को अनुच्छेद तुम लोगों को रटाएंगे जो रटते जा रहे हो। जैसे देख लेना 79 जान रहे हो संसद, हाँ या ना? 80 लोकसभा, राज्यसभा 81, लोकसभा अब तुम्हारा बदलाव। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी अधिकार, हाँ या ना? 77 तेरे नाम, 78 सूचना, पढ़े हो नहीं सब? 85 लोकसभा भंग, 123 अध्यादेश, 143 में सलाह, राष्ट्रपति जो सलाह लेता है, और 72 आ गया क्षमादान। तो ये सब पैटेंट है, मतलब कंपटीशन में मटेरियल में फुटपाथ पर मिलता है भाई। ऑल ओवर इंडिया का सब इंस्टीट्यूट का फुटपाथ पर मिलता है। जो लिखा है ओकरे तनी पास करे कहना तो बेटा भागे लगेगा। कॉम्पिटिटिव अप्रोच में यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, नहीं तो पढ़ने के लिए सब है। बात समझा? इसलिए जो हदियारे हो ना अनुच्छेद अनुच्छेद लास्ट में दिखला देंगे। 26-16 जून को है IAS का एग्जाम, जरा देख लेना। जितना रटाए ओकरा तनी बाहर चल जाए तो सवाल ही नहीं है। नागरिकता में हम क्या बोले हैं? भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 में कौन बनेगा भारत का नागरिक या कौन होगा भारत का नागरिक, तो उसमें ना उसका नियम है क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित किया। कहा है जन्म से मातामह पितामह में कोई एक भारतीय हो। मातामह पितामह मतलब मैया के मैया, बापा के बापा, ठंडा गर्म में कोनो एक फेज भारतीय हो। अब समझ में आया? मातामह पितामह में से कोई एक भारतीय हो, मतलब एक फेज भारतीय होगा, एक विदेशी होगा, चलेगा, प्रोडक्ट इंडियन होगा। अब समझ में आया? एक हो गया जन्म से, जन्म से मतलब हम लोग। तो मैं इतना सीरियस क्या पढ़ रही है? समझ में आता है कि नहीं? हमारा भी नहीं नहीं समझ में आता, ऐसा है क्या? नहीं समझ में आएगा जब वो हाँ बोलना। अच्छा देखो, जन्म से आप कहोगे कि कोई गर्भवती महिला इंग्लैंड से आई होकर इंग्लैंड की और यहाँ आके बच्चा जन्म दे दी तो क्या वो इंडियन हो जाएगा? साला वो विदेशी प्रोडक्ट है रे। जन्म से मतलब हमनी, अगर बापा के बापा, मैया के मैया, कुल खानदान सब इंडियन हो, मातामह पितामह में से कोई एक भारतीय हो। फिर आ गया क्या कि आजादी के ठीक पहले मामूली तौर पर निवास किया हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ध्यान रखना, बर्मा भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ई एरिया में अगर कोई जन्मा हो और वो मांग करे कि सेवा में सविनय नम्र निवेदन यह है कि हमको नागरिकता दिया जाए, तो दिया जा सकता है, हो ही जाएगा, या कंपलसरी नहीं है। तो कौन चीज बोले हम? जन्म से, मातामह पितामह, आजादी के ठीक पहले भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, 1935 के भूभाग में जन्मा हो। लेकिन ये जो बोले नहीं पूछता है, आप जो बोल रहे हैं वो पूछता है। ये डेट दिमाग में रख लेना, 19 जुलाई 1948। क्या वर्ड बोले? 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया हो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एग्जैक्ट डेट कितना बोल रहे हैं? 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले। आप कहोगे के बाद आएगा तो के बाद आएगा तो करा एप्लीकेशन देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमको नागरिकता दीजिए। मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो नहीं मिला। कंप्लीट है? भाग दो दिमाग में आ गया, 5 से 11 आ गया, जन्म से, मातामह पितामह, आजादी के ठीक पहले, भारत सरकार अधिनियम 1935, दिस दैट सब हो गया। लेकिन रटना क्या है?
19 जुलाई 1948, डन है। अब देखो इसमें लफड़ा वाला बात कुछ लिखवे नहीं किया था। अब यहाँ पर तुमको ये समझना है कि अगर कोई भारतीय लड़का विदेशी लड़की को पटा ले तो ये तब लफड़ा था। 1955 में 1955 में एक डेट फिर रखना ना, पटा लेगा तो ब्याह करेगा ना भाई, तो बीबी हो गई तो क्या वो भारत की नागरिक होगी? नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें परिभाषित किया कि अगर बाप भारतीय होगा तो प्रोडक्ट भारतीय होगा, शोरूम भारतीय नहीं होगा। ये समझ में आया? जैसे सोनिया गांधी लटपटाई किससे? राजीव गांधी से। तो राजीव गांधी स्वदेशी है तो उसका प्रोडक्ट स्वदेशी हो गया। कौन कौन? पप्पू और पिंकी। बात समझ में आया? लेकिन सोनिया भारतीय नहीं, उसको नागरिकता लेना होगा। ये 1955 में कह दिया कि बप्पा भारतीय होगा तो बुतरू तुतरू सब भारतीय होगा, लेकिन मैया भारतीय नहीं। इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भारतीय युवाओं को तुम विदेशी लड़की पटा सकता है। अभी वह चुहे वह पहुंच रहे ना। अब आ गया कि मैंने ई काम लड़का कर सकता है, लड़की अगर कहीं पट गई तो, जैसे धोखा दे दी सानिया मिर्जा, साला एक मियां भारत में नहीं बैठा यार। तो अब उसमें कहा कि अगर माँ भारतीय होगी तो बुतरू भारतीय होगा, लेकिन उसका तुतरू नहीं होगा, मतलब उसके हस्बैंड को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। हाँ, क्या हम बोल रहे हैं 1992, एकरम एक वर्ड दिमाग में रख लोगे, बाप तो बाप के आधार पर फरिया जाएगा कि बप्पा भारतीय तो बुतरू भारतीय मैया भारतीय नहीं। 92 में कह दिया माँ, अगर माँ भारतीय होगी तो बच्चा भारतीय होगा, लेकिन उसका वो भारतीय नहीं होगा। अभी चुप रहो ना। अब मान लो सानिया मिर्जा का बुतरू सोचो, अगर इंडियन कानून कह रहा है कि माँ भारतीय तो बच्चा भारतीय, तो इंडिया तरफ से मैया तरफ से पूरा भारतीय हो गया, लेकिन पाकिस्तान का कानून कहता हो कि अगर बाप पाकिस्तानी तो बुतरू पाकिस्तानी, तो बेटा अगर दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा नहीं होता। भारत में एक हरी नागरिकता है। अगर तुम किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हो तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये पर्याय, अगर तुम किसी दूसरे देश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारी नागरिकता छीन सकती है, तो ये वो कहलाता है नागरिकता का लोप। क्या कहलाता है? नागरिकता का लोप। समझ में आ गया? भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 में अटर पटर भूल जाओ, मेंस में वो काम देता, यही तुमको मेन ओरिएंटेड लिखना है। कैसे लिखाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भाग दो में उद्धृत है, नागरिकता कानून का उल्लेख है, वस्तुतः उन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है जिनके आधार पर भारतीयों को नागरिकता प्रदान की जाती है या प्रदान की गई है या दिया गया है, जिसमें जन्म से मातामह पितामह आजादी के ठीक पहले मामूली तौर पर निवास की बात कही गई है, और सबसे महत्वपूर्ण डेट, चूंकि भारत का विभाजन हुआ था इसलिए एक कटऑफ डेट निर्धारित किया गया, वो डेट है 19 जुलाई 1948। आगे चल के परिस्थितियां बदली तो एक और परिभाषा जुड़ा कि अगर बाप भारतीय, अगर पिता भारतीय होगा तो बच्चे भारतीय समझे जाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी को अर्थात विवाह के आधार पर नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया। 1992 में यही बात कहा गया कि अगर माँ भारतीय होगी तो बच्चा भारतीय होगा, लेकिन उसका पति भारतीय नहीं होगा। आगे चल करके अब दो गो लाया, एक लाया PIO, क्या बोले हम? पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कहियो अगर बप्पा मैया कुल खानदान के कोई आदमी भारतीय रहा होगा जो विदेश में जाके बस गया। और एक आता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें दोहरी नागरिकता की बात है। ये दोनों कंडीशन में एक के लाइन दिमाग में रखना, वो लाइन यह है कि उन लोगों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेरोक टोक है, मतलब जो तुम्हारा क्या हम बोले People of Indian Origin, PIO, क्या वर्ड बोले? PIO, और एक आया Overseas, क्या नाम है? OCI, इसमें दोहरी नागरिकता है। और ये दोनों का मूल चीज ये है
कि अगर कुल खानदान का कोई व्यक्ति जो कभी भारत में रहा हो 100 साल पहले 200 साल पहले, मान लो मॉरिशस में जाके बस गया, इंग्लैंड में बस गया, तो वो यही सब कैटेगरी में आएगा, तो उसको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है कि मूल अधिकार केवल भारतीयों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, ही भूलना मत, टफ इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, ये केवल भारत के नागरिक मूल अधिकार इन लोगों को, भारतीयों को प्राप्त है। बात समझ में आया, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में यही आता है, 15, 16, 19 और 29, 15, 16, 19 और 29, डन है। मूल अधिकार में तुम लोगों को ध्यान रखना, पूछेगा इतने से, ओवरसीज नागरिकता का मूल थीम यही है कि भारत में कभी उसका कुल खानदान पैदा लिया हो, विदेश बस गया हो, तो आएगा किसके अंतर्गत, ओवरसीज नागरिकता के अंतर्गत, डन है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा फंडामेंटल राइट प्राप्त है, किसको, भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, तो 15, 16, 19 और 29, कोई झमेला, ये पूरा पूरी रटा गया कि एनी टाइप ऑफ धकधकी रटा गया है, किस भाग में है, नुमा कौन कौन भाग में है, अनुच्छेद कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948, कट ऑफ डेट बाप का 55, माँ का 92, और ओवरसीज नागरिकता और ओपीआई में दोनों क्या है कि उसका कुल खानदान का कोई व्यक्ति भारत का होना चाहिए जो कभी विदेश जाके बस गया, ठीक है, भारतीय मूल का, तो उस ये दोनों कैटेगरी में आएगा, उन लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़े। ध्यान रखना यार, मेंस लोगे 200 शब्द लिखना है जीएस में, तो 200 शब्द मतलब इतना, एक पारा या एक पेज, उसमें 5 पॉइंट काफी, इतना लिखना शुरू करोगे ढड्ढा भर देगा यार, पागलाना नहीं चाहिए, मूल चीज को कभी छोड़ के चलना नहीं चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट, अब तुम्हारा आएगा मूल अधिकार, शुरू करते हैं मूल अधिकार। कहाँ से काटता है यार।